कल जब मैंने बताया ना सबको कि हमने 17 लाख का लोन ले लिया है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि 17 लाख का आप करोगे क्या? जब आयना पैदा हुई थी उसका नाम आयना रखा था। उसके बाद हमने सोचा था कि मैचिंग का नाम एकदम से दिमाग में आया, आयान। तो हमने सोचा था कोई लड़का पैदा हुआ तो उसका नाम आयान रखेंगे। वैसे ही आ गया हमारा आयान, है ना आयान? आयान हम कौन है? काऊ। काऊ? आयान मेरे को ताऊ बोलता है लेकिन वो बोल नहीं पाता तो काऊ बोलता है। क्यों आयान? हम कौन है? काऊ। काऊ। कल का ब्लॉग अगर आपने देखा होगा तो आप ये सोचने में मजबूर हो गए होंगे कि मैं 17 लाख का करने क्या वाला हूँ। तो आज बताता हूँ आपको। क्या आज अंधेरा? सच में लाइट नहीं है आज? हाँ अपने आप ही नहीं थी, पूरे ग्वालियर की लाइट नहीं पता। तो फाइनली लाइट आ गई है और ना हमारा सारा काम अटका पड़ा हुआ था, हो ही नहीं पा रहा था क्योंकि लाइट नहीं तो प्रिंटआउट नहीं निकलेंगे, प्रिंटआउट नहीं निकलेंगे तो ऑर्डर पैक होंगे नहीं, और अभी ऑर्डर पैक हो रहा है। गिफ्ट है ये तुम्हारा? बिल्कुल मेरी लंका लगवाने पर तुले हुए हैं। देखो भाई को बर्थडे विश कर रहे हैं वो भी इस स्टाइल से। ये पोस्टर हमने बनाया था दलित दास्तान के लिए और ये चंद्रशेखर भाई का असली पोस्ट था, और सन्नी जो है ना वो बीएसपी से है। लंका लगवाने में तो ले सीरीज बनाई थी और हमने पोज एग्जैक्टली वही बनाने की कोशिश करी थी। कुछ भी हो भाई साहब, पोस्टर कैसे बनाया? ये देखो। कल रात को हम लेकर आए खूब सारी पॉलिथीन। हाँ, ये वाली लेके आए, ये लेके आए और हमने अभी तक दूसरी वाली खोल के भी नहीं देखी। अंकित बोल रहा था कि भैया देख लो पहले, अपने जो पहले खरीदी थी उसका इस्तेमाल हो गया कि नहीं हो गया। अब क्या करें, इतनी यार टेंशन चल रही है, आपको पता ही ना ब्लॉग से बताया है तो ध्यान ही नहीं रहा। मतलब करीब 1-1.5 हज़ार की वो खरीद के लाए थे, 1-1.5 हज़ार की फिर ले आए, लेकिन चलो अब फायदा ही है, अपना तो काम ही आएगी। कल जब मैंने बताया ना सबको कि हमने 17 लाख का लोन ले लिया है, तो लोग ये पूछ रहे हैं कि 17 लाख का आप करोगे क्या? क्योंकि सही बात है, हमें लोन अगर चाहिए भी तो 2-3 लाख हमारा काम हो जाता है। तुम्हें पता है क्या करने वाले हम 17 लाख का? हाँ मुझे सब सारी चीजें पता है, शुरू से लेकर एंड तक मैं ही तुम्हें साथ। तुमको पता है हम 17 लाख का क्या करने वाले? हाँ मुझे तो पता है। पता है ना? तो पता है क्या करने वाले 17 लाख का? हाँ पता है ना मेरे को क्या करने वाले हैं। एक्चुअली मैं हमेशा ना दो चीजों को लेके चलता हूँ, जो करंटली अभी हो रही है हमारे साथ कि हमारा बिजनेस कैसा चल रहा है, और इन फ्यूचर हम इसका क्या करने वाले हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि अगर आपका अच्छा बिजनेस आ रहा है तो आप उसको किस लेवल तक ले जाने की प्लानिंग करके बैठे हो। खास बात है और ये भी मेरी लाल किताब से मैंने निकाला था और उसमें ये चीज मेंशन है वहां पर कि आपको ये पता होना चाहिए कि आप जब कामयाबी की तरफ बढ़ने लग जाओ तो कहां जाके रुकना है। अभी देखो ये है हमारा ऑफिस एरिया, ये है हमारा स्टॉक रूम, ये है हनी एंड सनी किचन, और ये कुछ तो भी हमारा रेस्ट रूम होने वाला था कि जहाँ पर अगर हम आके कुछ देर बैठ सके, या कॉन्फ्रेंस हॉल मान लो या कुछ तो भी मान लो। आप यहाँ की स्थिति देख के आप समझ गए होगे ना कि हमें कम पड़ रहा है। तो मैं मान के ये चल रहा हूँ कि 14 अप्रैल तक हमारे पास बिल्कुल भी जगह नहीं बचने वाली है, तो एक फ्यूचर प्लानिंग की है क्योंकि हमें वो करनी पड़ेगी, अगर नहीं करेंगे तो हो सकता है हम यहीं फंसे रह जाएं। क्या हो गया, कटवाना है? रखो। ये जैविम कैलेंडर बहुत सटीक जगह लगा है, मतलब जो हमारा पूरा काम हो जाता है ना, पैकिंग वैकिंग हो जाती है तो यहाँ पे आके नज़र पड़ी जाती है। और आज देखिए आज है 3 तारीख, 3 तारीख में यहाँ पे लिखा हुआ है कि बाबा साहब ने 1956 में अपने सेवक रामचंद्र को देखने गए थे और उसी के तीसरे दिन बाबा साहब का ये महापरिनिर्वाण हो गया था। मतलब इस समय तक वो अच्छे खासे चल फिर रहे थे। और दूसरा इसमें लिखा हुआ है 1954 में तीसरे विश्व बौद्ध सम्मेलन जो रंगून में हो रहा था उसमें बाबा साहब का प्रवचन था आज ही के दिन।
तो ये जगह है ना अभी के लिए तो बहुत अच्छी है, लेकिन जिस दिन हम यहाँ शिफ्ट किए थे ना, यहाँ शिफ्ट करते के साथ ही मैंने ये बोला था कि अब हमको इससे बड़ी जगह जाना है, बिल्कुल, वो भी कुछ महीनों में, सालों में नहीं, कुछ महीनों में जाना है। और ये 17 लाख उसमें हमें मदद करेगा। हमने एक जगह देख ली है जहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कराने वाले हैं। और एक सबसे बड़ी बात ये है कि लोग बाग ये बोलते हैं कि ना हमें एक ना अम्बेडकर लाइब्रेरी खोलनी है, डॉक्टर अम्बेडकर लाइब्रेरी खोलनी है। तो कुछ तो भी हमारे दिमाग में एक प्लान चल रहा है बहुत टाइम से, सन्नी से डिस्कशन कई बार कर चुका हूँ मैं, कि हमको एक ना एक ऐसी जगह खोलनी है जहाँ बाबा साहब और भोजन समाज की बहुत सारी किताबें रखी हुई हों लाइन से, लोग बाग आए और वहाँ बैठ कर चाहें तो वो पढ़ें, और अगर पढ़ने मतलब वहाँ बैठ कर पढ़ने का उनका समय नहीं है तो किताबें उठाएं, खरीदें और घर चले जाएं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल, मैं तो पूरा जानता ही हूँ, समझ गया मतलब आप लोगों को समझा रहा हूँ कि है ना एक ऐसी जगह जहाँ किताबें पढ़ना फ्री हो, और अगर आपको उन्हें घर ले जाना है तो आप उनको खरीद के अपने घर ले जा सकते हैं। ये सिर्फ अभी एक सपना है, कोशिश कर रहे हैं कि ये संभव हो जाए। तथागत स्टोर, एक ऐसी जगह जहाँ हमारा एक बहुत बड़ा सा ऑफिस ऊपर हो, जहाँ हनी एंड सनी का भी किचन हो, और नीचे यहाँ पर हमारा एक एक, एक ऐसा शोरूम हो जहाँ पे दुनिया की सारी चीज़ जो भी बाबा साहब और बुद्ध से रिलेटेड है, या अम्बेडकराइट या फिर बहुजन मूवमेंट से रिलेटेड जो भी चीज़ दुनिया में अवेलेबल है वो इस स्टोर में या इस जगह पर अवेलेबल हो। तो ये करना सच में कठिन काम है। अगर आप लोग इस तरह से सपोर्ट करते रहेंगे, जिस तरह से हमारे बहुत बल्क में ऑर्डर आते रहते हैं, तो ये संभव हो पाएगा सिर्फ आपकी वजह से। बस ये है कि आपको tathagat.live का आपको सपोर्ट करना है। जो भी चीज़ आपको लगता है कि आपको चाहिए और हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल है तो आप वहाँ से ही खरीदिए। मालूम है ना कहाँ से? tathagat.live आज के लिए इतना ही। कीप सपोर्टिंग।